पंचकनी मुंबई से बहुत नजदीकी है। पंचकनी हिल स्टेशन मुंबई से पंचकनी का डिस्टेंस है 245 किलोमीटर। पंचकनी हिल स्टेशन में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है और टूरिस्ट पॉइंट भी है, लेकिन पंचकनी हिल स्टेशन फेमस है टेबल लैंड के लिए। ये एक बहुत बड़ा वोल्केनिक प्लेटू है। पंचकनी का मतलब पंच मतलब पांच और गनी मींस हिल्स। यहाँ पर ऐसे पांच वोल्केनिक प्लेटू है, इसलिए ये हिल स्टेशन का नाम है पंचकनी। पंचकनी के टेबल लैंड एशिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू है और ये एक नेचुरल हेरिटेज साइट भी है। हम लोग पहुंचे थे 11 AM को और पार्किंग में ही हम लोगों को कुछ बंदे मिल गए थे जो हम लोगों को पार्किंग से टेबल लैंड तक लेके जाएंगे हॉर्स पे बिठा के। और हम लोगों को बोला गया था कि आपको हॉर्स राइडिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो वहाँ से आप ना भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ से ये सर्विस देते हैं, तो इसलिए हम लोग हॉर्स पे बैठ गए थे और हम लोग टेबल लैंड तक गए थे। पार्किंग से थोड़ा दूर होता है तो हम लोग हॉर्स पे ही बैठ के गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि हॉर्स राइडिंग का रेट बहुत ज़्यादा है। टेबल लैंड का एरिया बहुत बड़ा है और धूप भी था दिन में, तो इस वजह से हम लोगों ने हॉर्स राइड करने का ही डिसीजन लिया था। और हॉर्स राइडिंग का रेट था पर हेड 1200। रेट क्या क्या है? सारी तार एक का ना, ये जो भी रहता है अभी एक हफ्ते बाद में आएंगे तो डबल रेट होगा। आपको अगर हॉर्स राइडिंग नहीं करना है, चल के देखना है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, आप वहाँ पे जाके डिसाइड कर सकते हो। हॉर्स राइडिंग का और एक फ़ायदा है, जो बंदे थे उन्होंने हम लोगों को पूरा गाइड किया, यहाँ पर क्या हुआ था और कैसे ये टेबल लैंड बना था सब हिस्ट्री बता रहे थे। ओके okay. ये सेकंड नंबर पंचगनी का टेबल लैंड पूरा 6.5 किलोमीटर का प्लेस है, 2.5 किलोमीटर का पूरा पार्किंग है। ओके देखने के लिए आपको जैसे मैंने बोला 9 पॉइंट्स है, पांच पांडवों के पैरों के निशान, राजा हिंदुस्तानी वाला पालन खेत, पोल्ट्री पॉइंट, साइड सीन में आता है आपको ग्लाइडिंग पॉइंट जो पैरासिलिंग वगैरह करते हैं ना, अभी में इलायची पतंग लेके जंप करते हैं वो वाला, हैरिसन फॉल एक ग्लाइडिंग पॉइंट, जो आप स्ट्रॉबेरी मलबेरी गुजबेरी जो खाते हो उसका सबसे पहले प्लांटेशन किया था यहाँ पे, सिडनी पॉइंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, और ऑन द स्पॉट घोड़ा जाता है शूटिंग पॉइंट पे। ये पूरा टेबल लैंड का डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर। यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज का भी शूटिंग हुआ था। टेबल लैंड के ऊपर चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे ग्रास है और ये एक वन पीस रॉक है। जैसे कि गाइड ने मुझे बताया कि ये एक वन पीस रॉक है और यहाँ पर आर्टिफिशियली मिट्टी डाला गया था, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ग्रास आते हैं और बारिश के सीजन में ये बहुत भरा रहता है। अभी बारिश का सीजन नहीं है तो इसलिए थोड़ा मिट्टी जैसा भी दिख रहा है और थोड़ा सा ग्रास दिख रहा है, मिट्टी डाला हुआ है। ओके तो वो अंग्रेजों के जमाने से ही वो ये सब है पहले से बने हुए अलग अलग पांच है, जैसे मैंने आपको बोला ये पहला सामने वाला, दूसरा दूर पे दिख रहा है रिंग राउंड टावर के पीछे, थर्ड वाला फोर्थ वाला, और अपने पीछे जो पार्किंग है वो फिफ्थ वाला, ऐसे अलग अलग फाइव लाइन्स होने के कारण इसको बोला जाता है पंचगनी। पंचगनी हाँ, पंचगनी कैसा एजुकेशन सिटी है, यहाँ पे टोटल 45 बोर्डिंग स्कूल है। देखा रहेगा आपने शाहरुख खान दीपिका पादुकोण, उसमें तो गाना है बन के पिछले दिल उड़ा, दीपिका पादुकोण दिए छोड़ते ना पानी के अंदर, वो लेक के पास शूटिंग करी गई थी। अब आपको महाभारत मालूम रहेगा, महाभारत के अंदर जो पांच भाई पांच पांडव थे उनको मंदिर वगैरह बनाएंगे, बाहर वाला आएगा पुजारी आएगा फिर डेवलप होएगा वो हिसाब से। यहाँ पे डेवलप के लिए किसी भी चीज के लिए अलाउड नहीं है, रोड बनाने के लिए भी अलाउड नहीं है। ये पांच पांडव का पैर का निशान, ये पांडव एक सेकंड पांडवों का पैर का निशान, ये पूरे टेबल टॉप के ऊपर है, लेकिन कैसा है यहाँ पे जो मिट्टी डाला है महाभारत में पांच पांडव का पैर के निशान के लिए इतने रखे उनके ये पैर के निशान है, आप मानेंगे तो भगवान है। तो यहाँ पर है पांच पांडव का पैर का निशान, तो हम लोग घोड़े से ही देख रहे हैं ऊपर से, ये देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, पूरा प्लेन माउंटेन ना, टेबल टॉप वन पीस
रॉक है तो यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, लेकिन अपने सामने दिख रहा है एक पेड़ है ऊपर, हाँ उसको वन ट्री पॉइंट बोलते हैं। पूरे टेबल टॉप के ऊपर एक ही पेड़ होने के कारण क्या बोलते हैं उसको, वन ट्री पॉइंट। ओके, सामने वाला टेबल लैंड देख रहे, पूरा फ्लैट है देखो, हाँ एक भी नहीं है, इधर वाला भी देखेंगे तो एक भी पेड़ नहीं है, ऐसे पूरा ये पत्थर का होने के कारण इसके ऊपर पेड़ आता ही नहीं है लगाने के बाद, हाँ नहीं आएगा ना, सिर्फ वो घास ही आएगा, बराबर वो एक ही पेड़ है जो पत्थर के बीच में से निकला है, ओके चीर के, तो वन ट्री पॉइंट वो है दूर। मूवी देखा है क्या, क्या राजा हिंदुस्तानी, हाँ राजा हिंदुस्तानी का शूटिंग इधर हुआ है ना, उसमें जो गाना है पूछो जरा पूछो, हाँ यहाँ पर ही हुआ है, इसमें जो बारिश वाला सीन दिखा है देखो लास्ट पहले वाला रोमांटिक सीन, वो पेड़ के पास की दी गई शूटिंग है, पेड़ के नीचे, ओके वो पेड़ के नीचे, हाँ दिख रही ना वो सब क्या है, वो हैरिसन फॉली ग्लाइडिंग पॉइंट है, ओके वहाँ से पैराशूट पैराग्लाइडिंग किया जाता है, पैराशूट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, हाँ वहाँ से जंप करना रहता है, 15 मिनट का 3,000 रुपए चार्ज करते वो लोग, ओके वहाँ से जंप करने के लिए, आपको अगर चलाने के लिए नहीं आ रहा है तो उनका राइडर रहता है, आपको राइड करवाता है, हाँ वो वेलकम मूवी में जो नाना पाटेकर का घर दिखाए थे जो खाई में गिरते है ऊपर से नीचे की तरफ, उसकी शूटिंग करी गई थी वहाँ पे, वहाँ पे किया था फ्लैटों के ऊपर, और ये जो नीचे की तरफ जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, हाँ। ग्रीन वैली है, 12 महीना हरे पेड़ रहते, जंगली जामुन के पेड़ है, उनको डायबिटीज वगैरह रहते, टीबी डायबिटीज वगैरह, हाँ। उनकी सेहत के लिए फायदेमंद रहते, उससे दवाई बनाई जाती है, ओके ओके वो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते, ओके नीचे जो आपको जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं माउंटेन्स, सह्याद्री माउंटेन्स बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में जब भी पहली बारिश होती है पहाड़ों पे होती है, इसलिए इसको सह्याद्री माउंटेन्स बोला जाता है, ओके। वो है टेबल टॉप के ऊपर एक लेक जो बारिश के पानी से बना है। लेक के पास जाने के लिए हॉर्स राइडर को और 500 रुपीज चाहिए था, तो हम लोगों ने इतना ज़रूरी नहीं समझा, दूर से ही हम लोगों ने लेक देखा और हम लोग साइड से निकल गए। मतलब आप लोगों का सीरियल नंबर के हिसाब से ये आता है, राइड आता है, बहुत सारे लोग है ना, 400 घोड़ा है इधर, 450 बाप रे, घोड़े वाले बहुत ज्यादा हो गए, तो पब्लिक भी आते रहते है ना, वो भी है। टेबल लैंड घूम के और यहाँ के जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और पंचगनी के बारे में भी हम लोगों को बहुत कुछ पता चला आज, और गाइड ने भी हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर हम लोग ने घोड़े का राइड ले लिया है, और यहाँ से साइड से पूरा जंगल दिखता है और पंचगनी शहर भी दिखता है, और ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको दिखाई दिया है क्या क्या है यहाँ पर, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अभी सिस्टम तो यही यहाँ पर ऐसा ही है कि घोड़े पे चढ़ना है तो बहुत सारा पैसा देना ही पड़ेगा आपको, अगर घोड़े पे नहीं जाना है चल के भी घूम सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, चल के घूमना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने एक राउंड ले लिया है। आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।